वैसे दो शब्द कहूंगी शॉर्ट शॉर्ट में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि थैंक्स मुकेश जी को आ जाइए दिया है। मुझे इस तरह की फिल्म करने का मौका बहुत कम मिलता है जिसमें कॉमेडी एक्शन इमोशन ड्रामा सब कुछ हो, क्योंकि मैक्सिमम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मुझे मैक्सिमम एक्शन या मैं जब ये फिल्म कर रही थी तब मुझे अंदाजा था पूरी तरह से कि एक मेला तीन छेला कितना हंगामा करेगी, और म्यूजिकली और जिस हिसाब से मुकेश जी ने हम लोगों को छूट दे रखी थी कि अपने हिसाब से जैसे करना है जो करना है, प्रॉपर्टी प्रोडक्शन वैल्यू सब कुछ बहुत अच्छा दिया, और उसका नतीजा आज आप लोग देख रहे हैं कि इतने अच्छे तरीके से मुझे आज से 5 साल पुराना काम याद आ गया जो भोजपुरी में चलता था। आज से 5-6 साल पहले जब हम फिल्में कर रहे होते थे बड़े बड़े बैनर्स बड़े बड़े एक्टरों के साथ, वो सब इसी तरह से अपनी ऑडियो को रिलीज करते थे, पब्लिक में जाके पब्लिक को गिफ्ट करते थे, पब्लिक में बहुत प्रमोशन करते थे। इस बीच थोड़ा सा मैं मिस करती हूँ चीजों को कि हमारे प्रोड्यूसर्स में वो जोश ही नहीं है आज की डेट में कि पब्लिक तक हम अपनी ऑडियो को अपनी फिल्म को इस हिसाब से पहुंचाए। मुकेश जी ये कर रहे हैं, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। मैंने इनसे कई बार इनसे कहा कि ये जोश बहुत दिनों बाद किसी निर्माता में देखने को मिल रहा है कि अपनी फिल्म को अपने ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, और आप सब म्यूजिक और ट्रेलर को एंजॉय कीजिए और फिल्म के बारे में हमें अपना फीडबैक दीजिए और विशेष दीजिए कि ये फिल्म हंगामा करे। थैंक यू। क्या होगा मैं कैसी दिखूंगी, लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो मेरे लिए मुझे लगता है कि एक मैं बहुत ही गर्व से कहूंगी कि हाँ मेरे अपोजिट का मैच कर रहे हैं। हमेशा मेरी शिकायत होती थी कि मुझसे कहीं ज्यादा मुझसे बड़े एज के हीरो मेरे अपोजिट होते हैं, इस बार तो अलग ही हो गया, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हल्का सा हटके है। बहुत अच्छे किए हुए, लेकिन कल्लू का फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि जब गाना हुआ शादी ने हमको बताया ऐसा ऐसा ऐसा, तो जब कल्लू इनको पकड़ने का ऐसा हो रहा था हमने क्या हो गया, तो छोटा छोटू तुमको क्या हो गया, मास्टर जी हम हमारा ना हाथ पे दोनों एकदम थका रहा, हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें एकदम कहा वो अच्छी है एकदम कॉपरेट कर देती है, फिर रानी को मैंने रानी बेटा जरा संभाल लेना, अच्छा अभी बता ढंग से पूछा और जो शुरू किया आप देखे गाने में खुद ही वो खुल। रानी जी, आज फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ, इस फिल्म के बारे में बताइए, इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में बताइए कैसे लगा? मैं बहुत खुश हूँ, लैला छैला जिस तरह का टाइटल है, एक लैला तीन छैला, वैसे ही म्यूजिक है, आप लोगों ने भी सुनी, अब हमारे दर्शक भी सुनेंगे, और ये वैसे ही म्यूजिकली हिट फिल्म है, और आज इसका म्यूजिक लॉन्च किया है हमारे सर मुकेश जी ने और पूरी टीम ने, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शूटिंग के बाद आज मैं सबसे मिल रही हूँ पूरी टीम से, इसलिए और ज़्यादा खुश हूँ। हीरो मुझे मैनेज कर रहे हैं, मैं हीरो को मैनेज नहीं कर रही। वैसे किरदार मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इस किरदार के लिए, बहुत बबली टाइप का कैरेक्टर है जो हॉटेस्ट पर्सन है और खूबसूरत है, मुझे खूबसूरत दिखाया शाह जी ने फिल्म में, और तीनों लड़के किस तरह से उसके दीवाने हो जाते हैं, जैसे मुझे लगता है कि जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी तो मुझे शाह जी ने कहा था कि ये तुमको ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह रियल लाइफ में लड़कों को हैंडल करती है वैसे ही हैंडल कर लेना।
हाँ लेकिन इसमें तो तीन ही है, रियल लाइफ में बहुत सारे छेला पीछे रहते हैं तो मैंने बहुत मस्ती की क्योंकि तीन तीन हीरो थे मेरे अपोजिट और तीनों ही मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, धर्मेश, राकेश एंड कल्लू। खैर कल्लू एज में छोटा है लेकिन वो बहुत अच्छा एक्टर है, राकेश जी भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, धर्मेश जी भी, इनके साथ मेरा बहुत अच्छा गाना है दाबीना आके कमरिया, तो सारे सॉन्ग्स और मैंने बहुत इंजॉय किया फिल्म को। बात करें मुकेश जी के, जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया भोजपुरी सिनेमा के बड़ी और एक रास्ता भी दिखाया। नहीं मुकेश जी जैसे प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को और मुकेश जी ने खुद ही, उनको इतना क्रेज़ है अपनी फिल्म का, एक जोश, एक जुनून है कि मैं अपनी फिल्म को किस तरह से पब्लिक के तरफ ले जाऊं, पब्लिक मेरी फिल्म को आके देखे। जिस तरह एक एक्टर को क्रेज़ होता है कि हमारे फैंस के पास हम जाएं और हमारे फैंस हमारे पीछे भागे, उस तरह का क्रेज़ हमारे मुकेश जी को है कि उनकी फिल्म को लोग जाने। तो ऐसे जोश और जुनून के प्रोड्यूसर्स बहुत कम मिलते हैं। मुकेश जी को बहुत थैंक्स कि उन्होंने पहली फिल्म बनाई और पहली फिल्म ही तहलका करेगी क्योंकि ये रूटीन फिल्म नहीं है, ये कमर्शियली हिट फिल्म है, एक लैला तीन छैला। मुकेश जी क्या कहेंगे आप लोगों को फिल्म का एक सपना आपने शुरुआत किया? बस एक बेहतर फिल्म बनाने का कोशिश किया हमने भोजपुरी फिल्म, और हमारा आपको पहले भी बोला कि मेरा रीजनल फिल्म है, मातृभाषा है इसमें, इससे जुड़ा हुआ है, तो मैंने एक बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश किया और आने वाले समय में भी अगर मौका मिले तो बेहतर से बेहतर हम लोग इसी तरीके से फिल्म बनाएंगे। आपने जो सोचा था एक फिल्म लेकर के जो मैंने ये देखा कि भोजपुरी दर्शक तकरीबन 15 करोड़ लोग भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं और पिक्चर तो काफ़ी सारे प्रोड्यूसर बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म बना रहे हैं बट दर्शक तक पहुंच नहीं पाते हैं, पब्लिसिटी का कहीं ना कहीं मुझे दिखा कि अभाव रहता है, तो मैं इसमें बेहतर पब्लिसिटी में करने के लिए जा रहा हूं और जो हर दर्शक के बीच में मैं फिल्म को लेके जाऊंगा, जो एक बार वो सोच के बेहतर से थिएटर तक आएंगे। और रहा कि महंगी फिल्म, इतनी भी महंगी फिल्म नहीं है जितने रिकवरी ना हो, 15 करोड़ लोग है, आज आप देख सकते हैं कि एक जस्ट कि 6 करोड़ 7 करोड़ लोग अभी, जैसे आप देखेंगे पंजाब में 6-7 करोड़ लोग है दर्शक देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे 5-6 करोड़ 10 करोड़ के पिक्चर बनते हैं, जैसे मराठी में भी अब लेंगे 10 करोड़ रुपए का मूवी बनते हैं और यहाँ पे लोग देखने वाले यही तकरीबन 10-11 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ पे भी बेहतर रिकवरी हो जाते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी में नहीं होने के कारण मेरे को जहाँ तक लगा कि सही से पब्लिसिटी नहीं करना, दर्शक तक सही से जाना नहीं, और एक थोड़ा आप खर्चीले पिक्चर बनाएंगे तो बेहतर फिल्म बना लेंगे, तो मैंने खर्चीले पिक्चर बनाया और बेहतर पिक्चर बनाया। जी हाँ हाँ, इसके लिए ऐसा है कि जैसे हमने स्कीम रखा है कि पिक्चर इंटरटेनमेंट तो मिलेगा दर्शक को, जो भी उनके टिकट का जो भी कर्ज चुकाना रहेगा वो चुका के देखेंगे और बेहतर ढंग से पिक्चर देख के निकलेंगे, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेंगे कि शायद मेरे लकी ड्रॉ में मेरा नाम निकल जाए, और एक टिकट पे एक कूपन फ्री है और दर्शक देखेंगे, उसके बाद एक महीने के बाद लकी ड्रॉ होने वाला है जिसपे फर्स्ट प्राइज हमारा नैनो कार है, सेकंड प्राइज हमारा बाइक है, तो दर्शक को सोने पे सुहागा होगा मिलेगा। मैं गर्व करता हूं, मैं मल्ला समाज से हूं, अक्सर लोग छुपाने का कोशिश करता, अगर वो शेड्यूल क्लास और छोटी जाति से आते हैं तो अक्सर लोग अपने नाम को छुपाते हैं, बट हम गर्व करते हैं अपने जाति पे और इसलिए हम सन ऑफ मल्ला। कोई लोग मुझे, मैं बेहतर कुछ सामाजिक काम करने के बीच में उद्देश्य मैं अपने मातृभाषा मिथिलांचल में मैं गया तो वहाँ पर लोग मुझे अलग अलग उपाधि दे रहे थे, अलग अलग बहुत बेहतर बेहतर उपाधि दे रहे थे, मैंने उन्होंने बोला सिर्फ मुझे एक सन ऑफ मल्ला दीजिए, मैं आप लोग का ही बेटा हूँ और मैं बेहतर काम करने के लिए आया हूँ और आप लोग के दुख दर्द में मैं हमेशा साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही सन ऑफ मल्ला। जी हाँ, वही मैंने बोला कि अक्सर कामयाबी हासिल करने के बाद लोग अपने पीछे को छुपाना चाहते हैं, बट हम उसमें से नहीं है और मुझे गर्व होता है कि मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। सॉरी सर, आप जो हैं सर, आपने नए लोगों को चांस दिया जी,
रिक्वायरमेंट था कि नए लोग लेके हम लोग काम करें, और दूसरी चीज कि एक नए दौर कि आप बेहतर चीज बेहतर लोग को लेके तो बना ही सकते हैं, उसमें दो कोई दो राय नहीं है। एक नॉर्मल लेवल के लोग को लेके अगर बेहतर पिक्चर आप बना लिए तो वो सबसे बड़ी बात होता है। तो हमने वो कोशिश किया है कि लोगों को लगे कि नए नए लोग को मौका दें भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसी एक का ना बन के रहे ये इंडस्ट्री, सारे के लिए दरवाजा खुला रहे। और इससे एक मैसेज आएगा कि मार्केट में जितने भी नए नए यंग जनरेशन आएंगे उनको मौका मिलेगा काम करने का। धन्यवाद। जी, 100% सहयोग मिला, और काफ़ी आप समझ सकते कि हमारी फर्स्ट मूवी है, लेकिन इनके मुझे नहीं लगता, मुझे गिनती पता होगा कि कितने फिल्म होंगे, और काफ़ी तजुर्बा इनके पास है, और इनसे 100% सहयोग मिला मुझे। ये मेरी फिल्म लगती है मुझे, जैसे सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था वैसे ही ये मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस फिल्म को लेकर। मैं मेरी फिल्मों में वैसे ही हीरो ज़्यादा आजकल नहीं होते, एक साथ तीन हीरो मिल गए तो खुश तो रहूँगी। आज यहाँ पे एक हीरो नजर आ रहा है, धर्मेश मिश्रा, क्या कहेंगे आप, आपके दोस्त साथी पिछड़े हुए हैं, कहीं ऐसा एक बहुत फनी आंसर दे।